और अब एक अगली खबर बिहार से, जहां एक और पुल गिर गया। भागलपुर के पीरपैंती की घटना है जहां पर यह पुल गिरा है। इसके साथ ही हरिनकोल और हुजूर नगर पंचायत को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता बाधित हो चुका है। पुल पहले ही धंस गया था, लेकिन खुलासा तब हुआ जब पानी घटा। पुल के ऊपर से पहले पानी बह रहा था, इसीलिए आवाजाही बंद थी, लेकिन पानी जब कम हुआ तो देखिए हकीकत सामने आ गई। आप देख रहे हैं किस तरीके से यह पुल धंस गया है। और बिहार से लगातार इस तरह की कई मौकों पर खबरें आई हैं, पुल गिरने की खबर, पुल धंसने की खबर। तो सवाल यही कि क्या ये सारे पुल जो हैं ये भ्रष्टाचार के स्मारक बनते जा रहे हैं। देखिए जरा तस्वीर जो आपके सामने है। हमारे साथ शशांक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर। शशांक, ये पुल गिरने का सिलसिला बिहार में रुक ही नहीं रहा है, अब ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये भागलपुर में एक और पुल गिरने का मामला सामने आया है। पीरपैंती में ये पुल गिरा है। 2 साल पहले इस पुल का निर्माण जो है लाखों की लागत से कराया गया था। PWD के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बारिश और बाढ़ की वजह से ये पुल गिरा, इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही है। इस पुल गिरने से पीरपैंती में कई गाँवों का जो संपर्क है वो कट गया है। करीब 50,000 से ऊपर की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। ये पुल 5 पंचायतों को पीरपैंती मुख्यालय से जोड़ता था। बाढ़ और बारिश तो कारण बताया जा रहा है, लेकिन जो निर्माण हुआ था, क्या उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था, क्या मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा था, ये तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार हुआ है निर्माण में? जवाब तो वहाँ पे स्थानीय अधिकारी को देना होगा। और ये जब घटना हुई है उसके बहुत देर के बाद जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं अखिलेश। और लगातार बिहार में अलग अलग जिलों में पुल गिरने की जो बात है वो सामने आ रही है। अब ताज़ा मामला फिर से भागलपुर में ही जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक इस जानकारी के लिए आपका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।